Good morning, students. How are you all? I hope that all of you are fine. So, last class में हमने poem Puppy and I पढ़ी थी. तो आज हम उसी poem के question answers और rest of the exercise discuss करने वाले हैं. तो question answers करने से पहले एक हम recap देख लेते हैं कि हमने chapter में क्या पढ़ा था. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा है जो घूमने जाता है. जब वो घूमने जाता है तो उससे सबसे पहले एक मैन यानी एक आदमी मिलता है जो कि विलेज में ब्रेड लेने जा रहा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद उससे एक हॉर्स मिलता है. हॉर्स भी विलेज में नीचे जो है अपने लिए कुछ खाने का सामान चारा लेने जा रहा होता है. फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक पपी मिलता है और पपी जो होता है वो हिल्स में ऊपर जो है खेलने जा रहा होता है. तो बच्चा भी उसके साथ खुशी खुशी से खेलने चला जाता है. ओके, सो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ हु इज़ द आई इन द पोयम. पोयम के अंदर जो आई वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है. तो बच्चों जो आई वर्ड यूज़ किया गया है इट इज़ यूज्ड फॉर द चाइल्ड इन द पोयम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई इज़ अ स्मॉल चाइल्ड इन द पोयम. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं. नेक्स्ट, वेयर वॉज द मैन गोइंग. तो जो मैन है वो कहाँ जा रहा था. तो अभी मैंने आपको बताया मैन कहाँ जा रहा था. तो जो मैन है ही वॉज going in the village. ठीक है, the man was going down to the village to get some bread. तो जो man है वो village में जा रहा था कुछ bread खरीदने के लिए. ठीक है, next question है why did not the child go with the horse. जो बच्चा है वो horse के साथ क्यों नहीं जाता. तो बच्चा horse के साथ क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो हॉर्स है वो विलेज में अपने लिए चारा लेने जा रहा था. बच्चा क्या करेगा चारा लेने उसके साथ जाने के लिए, है ना. तो चाइल्ड डिड नॉट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. नेक्स्ट, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी. जो चाइल्ड है वो पपी के साथ क्यों चला जाता है. तो बच्चों क्यों गया था चाइल्ड जो है पपी के साथ, क्योंकि जो पपी है वो अप द हिल्स जा रहा था खेलने के लिए और बच्चे को भी खेलना था. ठीक है, तो इसलिए जो बच्चा है वो भी जो है उस पपी के साथ खेलने के लिए चला जाता है. लेट्स सी, द चाइल्ड गो विद द पपी बिकॉज द पपी वॉज गोइंग अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले एंड द चाइल्ड ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले. और जो बच्चा है वो भी खेलना चाहता था. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टॉक टाइम. टॉक टाइम में क्या है. टॉक टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ पेट. क्या आपके पास एक पेट है. पेट क्या होता है. पेट जो होता है वो किसी भी पालतू एनिमल के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे अगर किसी के घर में डॉग है तो डॉग आपका पेट एनिमल है क्योंकि आप उसको पाल रहे हैं. किसी के घर में अगर गाय है तो गाय जो है उसका पेट एनिमल है. ठीक है, तो मींस जिस भी एनिमल को हम पालते हैं अपने साथ अपने घर में वो हमारा पेट एनिमल होता है. ठीक है, तो किसी के घर में जो है रैबिट होता है, किसी के घर में काऊ होती है, किसी के घर में डॉग होता है, किसी के घर में शीप होती है, किसी के घर में गोट होती है. तो इसी तरीके से किसी ना किसी के घर में कोई कोई पेट एनिमल होता है. तो अगर किसी के घर में कोई पेट एनिमल है तो आप बताओ डू यू हैव अ पेट. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, येस आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पेट है. तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है तो आप लिख दोगे येस, और अगर आपके पास पेट एनिमल नहीं है तो आप लिखोगे नो. नेक्स्ट इज़ टॉक अबाउट थ्री थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर. तो इस क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई पेट है तो आप तीन चीज़ें ऐसी बताओगे जो आप अपने पेट के साथ करते हो. जैसे अगर आप अपने पेट के साथ खेलते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे आई प्ले विद माई पेट. ठीक है, अगर जो है आप अपने पेट के साथ जो है घूमने जाते हो तो आई गो एंड वॉक विद माई पेट, गो फॉर अ वॉक विद माई पेट. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है तीन जो है लाइनें लिखेंगे जिसमें आप अपने पेट के साथ क्या क्या करते हैं वो बताओगे. ओके,
Next is, how do you look after your pet? Tell the class first in your own language and then in English. तो इसमें आपको ये बताना है कि आप अपने पेट एनिमल का ध्यान जो है वो कैसे रखते हो. तो आप ये चीज़ पहले जो है अपनी खुद की लैंग्वेज में बताओगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इंग्लिश में बताओगे, ठीक है. तो आप अपने पेट के का ध्यान कैसे कैसे रखते हो, जैसे आप उसको नहलाते हो, आप उसको जो है घुमाने के लिए ले जाते हो, ठीक है, आप उसके साथ खेलते हो, उसको जब जो है भूख लगती है तो आप उसको खाना देते हो, ठीक है. तो इस तरीके से आप जो है अपने पेट का ध्यान रखते हैं. तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे. अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, दैट इज़ से अलाउड. तो ये जो वर्ड्स हैं जो कि आपको जो है ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, ब्रेड, हे, रोल, सेट, टुडे, पोल, ओके. तो ये जो वर्ड्स हैं आप इनको बोलोगे, ठीक है, और इनको अपनी कॉपी में लिखोगे और इनके जो है मीनिंग्स जो है बताओगे, ठीक है. तो कुछ के मीनिंग्स तो मैंने आपको ऑलरेडी पोयम जो है पढ़ तक बता दिए थे, और जिनके मीनिंग्स जो है मैंने नहीं बता रखे, जो वर्ड्स यहाँ पे न्यू हैं, ठीक है, जैसे ये पोल वर्ड न्यू हैं, ठीक है, तो इनके जो मीनिंग है आप खुद जो है लिखोगे, ठीक है. नेक्स्ट जो है एक छोटी सी पोयम है, हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो यहाँ पे हम टिब्लू की एक पोयम पढ़ते हैं, ठीक है. तो क्या है पोयम, टिब्लू. टिब्लू इज़ माई फ्रेंड, टिब्लू हैज़ फोर लेग्स. टिब्लू मेरा फ्रेंड है, टिब्लू के फोर लेग्स हैं, यानी उसकी चार टांगे हैं. टिब्लू हैज़ अ लॉन्ग टेल, और टिब्लू की एक लंबी सी टेल है, एक लंबी सी पूंछ है. हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है. टिब्लू बार्क्स, टिब्लू जो है वो बार्क करता है, यानी टिब्लू भौंकता है. टिब्लू वेग्स हिज टेल, और टिब्लू जो है अपनी टेल को जो है ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, अपनी पूंछ को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है. टिब्लू इज़ हैप्पी, और टिब्लू बहुत ही खुश है. हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है. तो बताओ बच्चों, टिब्लू कौन है. तो आपको यहाँ पोयम में हिंट तो मिल गया होगा, है ना, कि टिब्लू की फोर लेग्स हैं, उसकी एक टेल है, टिब्लू भौंकता है, बाघ करता है, ठीक है. तो बाघ कौन सा एनिमल करता है, भौंकता कौन है, गाय तो नहीं भौंकती, है ना, या कोई और एनिमल तो बाघ नहीं करता. तो सिर्फ डॉग्स हैं जो बार्क करते हैं. तो यानी कि टिब्लू कौन है, टिब्लू इज़ माई डॉग, टिब्लू मेरा डॉग है. ओके, अंडरस्टूड दी पोयम, ठीक है. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे जो है कुछ डॉग्स की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, है ना. लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम, यू माइट बिगिन, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ जो है डॉग्स दे रखे हैं पिक्चर में, आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है. तो इन्होंने आपको हिंट दिया है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे. आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, मैं एक छोटा सा ब्राउन डॉग हूँ, ठीक है. माई नेम इज़ बुल डॉग, ठीक है. तो हम सबसे पहले फर्स्ट डॉग से अगर स्टार्ट करें तो इस डॉग के बारे में आप क्या क्या बताओगे. इस डॉग के बारे में आप बताओगे कि आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, मैं एक छोटा सा ब्राउन डॉग हूँ, ठीक है. माई स्किन इज़ चबी, यहाँ पे आप उसी स्किन देख रही है ना, चबी, कितना सारा फैट जमा हुआ है, स्किन लटक रही है इसकी, तो हम इसको बोलेंगे चबी स्किन, ठीक है. तो माई स्किन इज़ चबी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चबी स्किन, ओके. माई कलर इज़ ब्राउन एंड वाइट, इसका जो कलर है आपको ब्राउन एंड वाइट नज़र आ रहा है, तो उसका क्या लिखोगे, ब्राउन एंड वाइट कलर. माई नेम इज़ बुल डॉग, और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बुल डॉग है. फिर से देखते हैं इस डॉग का कलर कैसा है, इसका कलर ब्राउन एंड वाइट है, तो आप लिखोगे माई कलर इज़ ब्राउन एंड वाइट. माई स्किन इज़ चबी, मेरी जो स्किन है वो चबी है थोड़ी सी, ठीक है. एंड माई नेम इज़ बुल डॉग, और मेरा नाम जो है बुल डॉग है, ठीक है. नेक्स्ट डॉग पर आते हैं, बॉक्सर पर,
ठीक है, तो आपको बॉक्सर के बारे में क्या दिखाई दे रहा है कि बॉक्सर का जो कलर है वो ब्राउन है, बॉक्सर जो है एक लंबा सा डॉग है, ठीक है, तो आप लिखोगे आई एम अ लार्ज ब्राउन डॉग। तो ये डॉग कैसा है, लार्ज ब्राउन डॉग, ठीक है। और क्या नज़र आता है कि आपको जो है इसके जो है ये ears नज़र आ रहे हैं, ठीक है, I have long ears, तो मेरे लंबे लंबे कान हैं, and my name is Boxer, तो मेरा नाम जो है बॉक्सर है, ठीक है। नेक्स्ट इज जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड के बारे में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो कलर है ब्लैक एंड ब्राउन है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा डॉग है और उसकी स्किन पे बहुत सारे हेयर्स हैं, तो आप लिखोगे आई एम अ लार्ज डॉग, माई कलर इज़ ब्लैक एंड ब्राउन। इसका कलर कैसा है, ब्लैक एंड ब्राउन है, ये कैसा है, ये लार्ज डॉग है, ठीक है। आई हैव मैनी हेयर्स ऑन माई स्किन, और मेरी स्किन पे बहुत सारे हेयर्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉग है दैट इज़ डोबरमैन। डोबरमैन के बारे में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डोबरमैन भी एक लंबा सा डॉग है, इसका जो है ब्लैक कलर है, ठीक है। तो आई एम अ ह्यूज डॉग, मैं जो हूँ एक लंबा सा डॉग हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एम अ ह्यूज डॉग, ठीक है, एंड माई कलर इज़ ब्राउन, इसका कलर सॉरी ब्लैक कलर होगा इसका, माई कलर इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्लैक कलर, ठीक है, एंड माई नेम इज़ डोबरमैन, और मेरा जो नाम है वो डोबरमैन है, ओके। अब नेक्स्ट जो है आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है ना, इस पिक्चर में आपको एक डॉग नज़र आ रहा है, एक जो है डॉटेड डॉग नज़र आ रहा है, तो इन डॉट्स को आपको जॉइन कर करके ये जो आपको डॉग यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इस डॉग के जैसा बनाना है, ये जो डॉग है इसके जैसा आपको जो है इसको इस पिक्चर को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है, और फिर इसमें जो है कलर्स जो है फिल करने हैं, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेट्स राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स, तो कौन सा एनिमल जो है उसकी कौन सी साउंड होती है, आपको ये मैच द कॉलम्स को फिल करना है। आपको यहाँ पे दो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम ए के अंदर आपको बहुत सारे एनिमल्स के नाम नज़र आ रहे होंगे, है ना, हॉर्स डॉग शीप कैट एलिफेंट टाइगर एंड काउ, और जो कॉलम बी है बी के अंदर आपको ना कुछ साउंड्स दी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बी कॉलम है इसमें क्या दिया गया है आपको, आपको दी गई हैं साउंड्स, तो कौन कौन से साउंड्स दी गई हैं, ट्रम्पेट्स ब्लीट्स ने रोर मूस बार्क्स एंड म्यूज, तो आपको कॉलम ए का कौन सा एनिमल इस कॉलम बी की कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है आपको उसको मैच करना है, ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है हॉर्स, तो बच्चों हॉर्स जो है उसकी कौन सी आवाज़ होती है, हॉर्स जो है आवाज़ जो करता है उस आवाज़ को हम बोलते हैं ने, ठीक है, तो हम उसको मैच कर देंगे इस तरीके से, तो हॉर्सेस क्या करते हैं, हॉर्स ने करते हैं। नेक्स्ट इज़ डॉग, डॉग तो आप सबको पता होगा डॉग क्या करते हैं, डॉग बार्क करते हैं, डॉग्स जो हैं वो भौंकते हैं, तो यहाँ पे आप डॉग को किससे मैच कर दोगे, बार्क से, ठीक है, तो डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं। थर्ड है शीप, जो शीप है वो कौन सी आवाज़ करती हैं, शीप्स जो होती हैं वो ब्लीट करती हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ब्लीट। नेक्स्ट है कैट, कैट आपको पता है म्याऊ म्याऊ करती है ना बिल्ली, तो कैट की जो आवाज़ होगी वो कौन सी होगी, म्यू म्यूज, ओके, तो यहाँ कैट को आप म्यूज से यानी म्याऊ से क्या कर दोगे, मैच कर दोगे। एलिफेंट, अब एलिफेंट जो होता है उसकी जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट, तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, एलिफेंट्स करते हैं ट्रम्पेट,
तो एलिफेंट्स को आप इससे मैच करोगे। टाइगर, टाइगर्स जो हैं वो करते हैं रोर, ठीक है, गरजते हैं टाइगर्स, गरजने को हम रोर करना कहते हैं, तो टाइगर्स रोर्स। और काउ जो होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं मू, यानी कि मूज, तो हम यहाँ पे इसको मूज से क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। बच्चों डोमेस्टिक और वाइल्ड क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसको हम अपने घरों में पालते हैं, ठीक है, जैसे हम पेट एनिमल कह रहे थे ना, तो जो एनिमल्स हम अपने घरों में पाल सकते हैं या पालते हैं उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, जिसको हम अपने घरों में नहीं रखते, ठीक है, जैसे कि शेर है, शेर को आप अपने घर पे तो रख नहीं सकते, वो तो आपको खा जाएगा, तो वो कैसे एनिमल है? वाइल्ड एनिमल है। डोमेस्टिक में आप जिसको अपने घर में रख रहे हो, जैसे डॉग है, ठीक है, डॉग को आप अपने घर पे रख सकते हो ना, काऊ को आप अपने घर पे रख सकते हो, तो ये क्या हो गई आपकी डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक कॉलम के अंदर आपको डोमेस्टिक एनिमल्स बताने हैं और दूसरे कॉलम के अंदर आपको वाइल्ड एनिमल्स बताने हैं। और आपको यहाँ पे एक पिंक बॉक्स दिया गया है, इस पिंक बॉक्स में से आपको चूज करके कि जो भी एनिमल का नाम आपको दे रखा है आपको उसको देखना है, ठीक है। और अगर वो डोमेस्टिक एनिमल है तो आप उसको डोमेस्टिक के नीचे लिखोगे, और अगर वो वाइल्ड एनिमल है तो आप उसको वाइल्ड एनिमल्स के नीचे लिखोगे। तो सबसे पहला है जैकॉल, ठीक है, तो जैकॉल जो होता है वो डोमेस्टिक एनिमल तो होता नहीं है, वो कौन सा एनिमल होता है? वो होता है वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जैकॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉक्स, यानी लोमड़ी। अब जो लोमड़ी है वो आपके घरों में तो रहती नहीं है, वो जंगलों में रहती है, तो जंगलों में रहती है तो वो भी क्या है? वाइल्ड एनिमल है, तो यहाँ पे लिखोगे फॉक्स। थर्ड है टाइगर। अब टाइगर जो होता है वो भी जंगलों में रहता है, वो भी घरों में तो रहता नहीं, तो यहाँ पे थर्ड एनिमल जो है टाइगर वो भी क्या होगा? वाइल्ड एनिमल होगा। डॉग, अब डॉग को तो हम घरों पर पालते हैं, तो इसका मतलब वो कैसा एनिमल हो गया? वो हो गया डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पे लिख दोगे डॉग। काऊ, अब काऊ भी सबके घरों में ही होती है ना, तो काऊ भी क्या हो गई? डोमेस्टिक एनिमल हो गई। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट भी जंगलों में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एलिफेंट जो है एक वाइल्ड एनिमल है। नेक्स्ट इज बियर। अब बियर यानी भालू। अब भालू जो होता है वो भी जो है जंगलों में रहता है, इसलिए वो भी कैसा एनिमल हो गया? वाइल्ड एनिमल हो गया, तो इसको भी हम वाइल्ड एनिमल्स के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट इज शीप। शीप जो होती है भेड़ होती है। अब भेड़ जो होती है वो कहाँ पे रहती है? उसको तो लोग पालते हैं, तो यहाँ पे शीप क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक एनिमल। गोट यानी बकरी। अब जो बकरी है, बकरी भी कहाँ रहती है? घरों में इसको पाल सकते हैं ना हम इजीली, तो गोट भी क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक एनिमल। बफेलो, अब बफेलो यानी भैंस। अब जो भैंस है उनको भी हम घरों में पालते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक एनिमल, यानी जो बफेलो है वो भी एक डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो इस तरीके से आप ये जो कॉलम्स हैं इनको फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक जैसे सुनने में लगते हैं, मतलब एक जैसे होते तो नहीं हैं लेकिन वो सुनने में आपको एक जैसे लगेंगे, जैसे कि चिल पिल, है ना, तो चिल और पिल एक जैसे ना, एक दूसरे को राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इसको जो है हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं नीचे, इन वर्ड्स से मिलते जुलते जिनकी साउंड एक लगभग एक जैसी ही होती है उनको आप जो है लिखोगे इन कॉलम्स के अंदर। तो आपको हर एक वर्ड के दो राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। ओके, तो पहले है जैसे हिल, तो हिल के राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ फिल कर सकते हो जो कि आपको इसका राइमिंग लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ, ठीक है। हिल का क्या होगा? जैसे हिल के हिल का हम लिख सकते हैं चिल, ठीक है, हिल चिल पिल, ठीक है।
तो ये इसके राइमिंग वर्ड्स हो गए, तो ये एक जैसे से ही है ना, लगभग हे है जैसे। अब हे के लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, रे से, ठीक है, ये मिलते जुलते हो गए। फाइन है जैसे, फाइन का आप क्या राइमिंग वर्ड बना सकते हो, फाइन माइन शाइन, ये भी सुनने में एक जैसे से ही हैं। अब गेट, गेट का हम राइमिंग बना सकते हैं वेट मेट। नेक्स्ट इज गोइंग, गोइंग जैसा ही वर्ड जो है डूइंग लगता है, ठीक है, और गोइंग जैसा ही वर्ड हमें रोइंग लगता है, यानी नाव चलाना लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर, हेयर का हम क्या राइमिंग वर्ड बना सकते हैं, हेयर के कैसे मिलता जुलता कोई वर्ड, जैसे देयर, ठीक है, वेयर, तो ऐसे ही आप कितने भी वर्ड्स बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हिल चिल पिल, हे रे से, फाइन माइंड शाइन, गेट वेट मेट, गोइंग डूइंग रोइंग, हेयर देयर वेयर, ठीक है। तो ये सब क्या थे, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स थे, एक जैसे ही वर्ड्स थे। तो बच्चों अब हम जो है ब्रूनो जो है एक पोयम है वो पढ़ेंगे, देखते हैं इस पोयम में क्या है। ब्रूनो इज माय पेट पपी, ब्रूनो जो है मेरा पेट पपी है, पेट यानी पालतू और पपी यानी कि डॉग का छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो ही ब्रेक्स हिज डिश, और वो जो है अपनी डिश जो है उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक यानी कि तोड़ना, ओके, और डिश यानी कि जो भी बर्तन खाने का होता है ना उसको डिश बोलते हैं, तो वो अपनी डिश को ब्रेक कर देता है, ओके। तो ही ब्रेक्स हिज डिश, ही इज सैड, और वो दुखी है, वो उदास है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी जो हैं, पापा जो हैं, उसको मिल्क देते हैं पीने के लिए, उसको दूध देते हैं पीने के लिए। बट ब्रूनो इज सैड, लेकिन जो ब्रूनो है वो अब भी क्या है, सैड है, दुखी है, उदास है। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, तो जो मम्मी है उसको एक न्यू डिश लाकर देती है। नाउ ब्रूनो इज हैप्पी, और ब्रूनो अब खुश है, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, ये जो फिलअप्स हैं ये भरने हैं, ठीक है, तो इनको देखते हैं क्या है इसके अंदर। ब्रूनो इज माय पेट और डिश, ब्रूनो क्या है, पेट यानी पालतू एनिमल है या वो एक डिश है, ठीक है, तो ब्रूनो इज अ पेट एनिमल, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, पेट। ही ब्रेक्स हिज डिश और फिश, तो वो अपनी डिश को ब्रेक कर देता है, वो फिश को ब्रेक करता है, वो अपनी डिश को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिश। डैडी गिव्स हिम, डैडी उसको क्या देते हैं, वाटर और मिल्क, तो डैडी ने उसको क्या दिया था, डैडी ने उसको मिल्क दिया था, तो डैडी गिव्स हिम मिल्क, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मिल्क फिल करोगे, ओके। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू फिश और डिश, मम्मी उसको न्यू क्या ला के देती है, मम्मी उसको न्यू डिश ला के देती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, डिश। ब्रूनो इज नाउ हैप्पी, और डिश पा के ब्रूनो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे, हैप्पी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है आपके पपी एंड आई चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे, और जो बाकी के एक्सरसाइज है उसको आप बुक में ही करोगे, ओके, बाय बाय।